उनका नारा जो है सबका साथ सबका विकास। फिलहाल जो है सिद्धरामैया की गवर्नमेंट यहाँ नहीं है। जब तक कास्ट सेंसस नहीं कराते हैं, ये सेंट्रल सूची का विषय है, स्टेट लेवल का मामला नहीं है, पूरे देश में होना चाहिए। आए हैं ये नेशनल अध्यक्ष जी से बात चर्चा करने के लिए। पूरे आदमी को मौका नहीं मिल रहा, कहाँ इलेक्शन में। कर्नाटक सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराया है, 70 साल के बाद भी इनको बराबर की भागीदारी नहीं मिली। भारतीय भागीदारी आंदोलन का संगठन मंत्री हूँ। जितने भी पार्टियां हैं वो रिजर्वेशन के कैंडिडेट को रिजर्वेशन में ही टिकट देते हैं, जनरल में नहीं देते हैं। ये मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अपने आंदोलन से कैंडिडेट को ठहरा करे कर्नाटक में। 224 तुम्हारे आंदोलन के कैंडिडेट ठहरा करो, भले ही उनकी डिपॉजिट जब्त हो लेकिन तुम्हारी आवाज बुलंद करो। आपके मेहमान कौन हैं, किस पार्टी से इनका ताल्लुक है और किस मकसद के तहत आज की मुलाकात हो रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह की मेहरबानी, पूरे देश के कोने कोने से लोग हमारे घर आ रहे हैं और अपने घर बुला रहे हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी है। रही बात आप जो आए हैं, ये लखपत सिंह हैं, ग्वालियर में रहते हैं, मध्य प्रदेश में इनका स्टेट है। इनके साथ साथ लाखन सिंह हैं, ये भी ग्वालियर और मध्य प्रदेश में रहते हैं। इनका जो है एक आंदोलन है, वो आंदोलन का नाम है भारतीय भागीदारी जनगण जातिवाद जातिगत जनगणना कराना इनका उद्देश्य है। तो रही बात, मैं सबसे पहले लखपत भाई का और लाखन भाई का स्वागत करता हूँ, ये दोनों मेरे घर आए। तो रही बात ये मेरे घर किस लिए आए हूँ वो बताएंगे, लेकिन मैं सीधे आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुखातिब होने जा रहा हूँ। आपकी विचारधारा बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, पूरा देश मान रहा है, पूरी दुनिया मान रही है और पूरी दुनिया में आपका एक रोल है। इसके बावजूद मेरे घर लोग चंद मसाइल लेकर आ रहे हैं और चंद लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो इन मसाइल का हल मैं आपकी या आपके पार्टी की या आपके संगठन की या आपके सरकार की शिकायत करते हुए करना नहीं चाहता। शिकायत वो करते हैं जिन्हें सत्ता नहीं मिलती, सत्ता की लालच में बिला वजह इल्ज़ाम देते हैं, और मैं बिला वजह इल्ज़ाम देने वाले लोगों में नहीं हूँ। हकीकत बात करना है मुझे और हकीकत का आप भी साथ देना है एज ए प्रधानमंत्री। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, हम आपके साथ हैं आपका साथ देने के लिए, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है। भारतीय भागीदारी आंदोलन है, इस आंदोलन का उद्देश्य है जातिगत जनगणना करना, जब जाके भारतीय भागीदारी मिलेगी। तो ये सवाल लेकर ग्वालियर मध्य प्रदेश से ये मेरे घर तक आए हैं, इसलिए आए हैं कि आप मेरी बात सुनते हैं, मुझे भी उम्मीद है मेरी बात आप सुनेंगे, और मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले आपके राइट हैंड अमित शाह आपकी बात सुनेंगे। मैं अमित शाह का एक उल्लेख आपको दे रहा हूँ, मंगलूर के भाषण में उन्होंने कहा, क्या आप टीपू सुल्तान का साथ देंगे या अब्बक्का का? भाई साहब, आपको अमित शाह जी को समझाना होगा कि अब्बक्का भी इसी देश की बहुत बड़ी देवी हैं जो हक के लिए लड़ती थी। टीपू सुल्तान भी इसी धरती के पुत्र हैं, ये किसी विदेश से आए हुए बादशाह नहीं थे,
वो इसी भूमि में पैदा हुए हैं। और सबसे बढ़कर ये बात है कि इनके वालिद टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली मैसूर राजा के बहुत बड़े सिपहसालार थे, इसलिए टीपू सुल्तान को मैसूर के महाराजाओं से देवी देवताओं से बहुत बड़ी इज्जत और सम्मान था, उसी तरह से वो चलते आए हैं। तो ये बात को आप अमित शाह जी को समझाएंगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ, और अमित शाह जी भी बहुत सुलझे हुए हैं, इस बात को समझ सकते हैं। तो हर बात को इस्लाम को टारगेट करना या मुसलमान को टारगेट करना ये देश के हित में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ये बात आप दानेश्वर हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमें अपने देश में सबसे पहले आदमी आदमी का सम्मान करना है, और हर धर्म का आदमी हर धर्म के आदमी के साथ सम्मान करना है, हर प्रांत का आदमी हर प्रांत के आदमी के साथ सम्मान से रहना है, और हर भाषा का आदमी हर भाषा के आदमी के साथ प्यार और मोहब्बत से इज्जत के साथ बात करना है और हर भाषा का सम्मान करना है। इस देश में कई पार्टियां हैं, उसमें हमारी नवरंग कांग्रेस पार्टी भी एक है, जिसका मैं नेशनल सदर हूं। तो आप तमाम पार्टियों के पदाधिकारियों का और मेंबरों का सम्मान करने के लिए आप अपने पार्टियों के लोगों को बताइए, और हम अपनी पार्टियों के लोगों को बताएंगे। आज आप नहीं जान रहे, आपके ही कर्नाटक सरकार के मंत्री ने अपोजिशन के लीडर को मारने की दावत दे रहे हैं अपने कार्यकर्ता से, ये कहाँ तक सही है ये वो जाने और आप जाने। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है आप ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त करे हैं और पार्टी के पदों से बर्खास्त करे हैं। इसी तरह का आप एक्शन लेते रहे तो वो हमें अच्छा लगेगा और हम आपके साथ हैं। हो सके तो आपको हमारा साथ चाहिए, जिस तरह लखपत भाई और लखन भाई आए हैं, इसी तरह आप अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, लक्ष्मण पंडित जी, तमाम लोग भी आएंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। हो सकता है हमारे घर कोई स्पेशल नहीं आए, कम से कम कर्नाटक का प्रचार करने आएंगे। जब भी अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम और तुम मिलकर इस कौम की शांति सौहार्दता और ये लोगों की भागीदारी किस तरह की जा सकती है ये बैठकर तबादले ख्याल कर सकते हैं। ये एक आपके सामने सुनहरा मौका है, ये हम समझते हैं, अगर आप भी समझे तो आ सकते हैं, आपका खैर मुकदम है। अब रही बात राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं, वो इन भागीदारी आंदोलनकारियों से जुड़े तो अच्छा रहेगा, और इनसे जुड़ने के लिए उन्हीं को यहाँ आना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो मेरे ही कर्नाटक के हैं, खासकर गुलबर्गा के हैं, अगर उन्हें भी फुर्सत मिली तो आएंगे, तो कर्नाटक में आपको हम किस तरह साथ दे सकते हैं ये भी तबादले ख्याल कर सकते हैं। अब रही बात, मैं आप तमाम से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये देश पहले राजा महाराजाओं का था, बाद में बादशाह शहंशाहों का था, उसके बाद ब्रिटिशों का था, कई तमाम लोगों की जद्दोजहद से 1947 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, जब से ये देश यथास्थिति में रहना है। बहुत सारे मामलात छेड़े जा रहे हैं,
जिसकी वजह से कौम में फसाद पैदा हो रहा है। यथास्थिति का वादा करके हम भारत में हैं और आप भी हैं। उस वक्त एक दुर्घटना घटी जिसकी वजह से हमारा भारत दो टुकड़ों में तकसीम हुआ। एक टुकड़े को पाकिस्तान का नाम दिया, उसे मैं खेद व्यक्त करता हूँ। वो टुकड़ा जो है फिर बाद बांग्लादेश बना, उसे और खेद व्यक्त करता हूँ मैं। अगर हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत तीनों मिलकर रहते तो हमारा देश और भी तरक्की कर सकता था, लेकिन कुछ मुफाद परस्तों ने इसे तीन टुकड़ों में बांटा है। अब घटना हो गई है। अब आज के हालात में हमारा जो भारत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इसे शांति, सौहार्दता, सुकून, रोजी रोटी, शिक्षा और तरबियत की ज़रूरत है। ऐसे हालत में आप एक सुलझे हुए हैं। आज आपके सामने अपोजिशन की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि अपोजिशन के लिए कम से कम 55 एमपी का होना ज़रूरी है। अपोजिशन में 55 एमपी नहीं है, ये इस देश की दुर्घटना कहो या विषाद कहो, कुछ भी कहो। अपोजिशन अगर बराबर का होता तो कुश्ती बराबर की होती है, तबादले ख्याल बराबर का होता है। आपके सामने अपोजिशन टिक नहीं पा रहे तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए मैं आपसे पॉजिटिव बात किया हूँ। आप मेरे बातों का पॉजिटिव लेकर इन भागीदारियों को इनकी भागीदारी देंगे। आईसीयू जो है कास्ट सेंसस हो चुका है, लेकिन इसके आंकड़े नहीं आए हैं सामने। तो फिलहाल जो है सिद्धरामैया की गवर्नमेंट यहाँ नहीं है। जब सिद्धरामैया की गवर्नमेंट थी वो करा है, लेकिन कहे न कहे दोबारा सिद्धरामैया अपनी क़यादत में, अपनी सरकार लाने में नाकामयाब रहे, तो वो पेंडिंग रिपोर्ट जो है आने वाली सरकार जारी करना था, नहीं करी। लेकिन ये भाइयों का मानना है कि वो स्टेट लेवल का मामला नहीं है, स्टेट लेवल का मामला नहीं है, पूरे देश में होना चाहिए। और भागीदारी ऐसी हो कि कौन से जात के लोग कितने हैं उनको उतनी भागीदारी मिलना। इनका सीधे सीधे निशाना ये है कि इनके लोगों को बराबर की, अब तक 70 साल के बाद भी इनको बराबर की भागीदारी नहीं मिली। ये सही है, बराबर की भागीदारी नहीं मिलने के जिम्मेदार कौन करने का उन्होंने ही बोल रहे मुझे। ये लोगों की भी जिम्मेदारी है वहाँ। कैसे जिम्मेदारी, मैं बताऊँ कि रिजर्वेशन में जब रिजर्वेशन का हकदार अमीर आदमी वहाँ ठहरता है, तो मध्यम वर्ग का हो या और भी पिछड़ा वर्ग का हो, आदमी वहाँ जीत नहीं पाता। वजह यह है कि वहाँ इनकम लिमिट नहीं है, तो वो यहाँ ऑटोमेटिक, इनका समाज ऑटोमेटिकली पीछे रह सकता है 70 साल के बाद। अगर ये अमीर आदमी, उनको इनकम लिमिट लगाया जाता तो वो दूसरे आदमी को मौका मिलता था, लेकिन दूसरे आदमी को मौका नहीं मिल रहा। कहाँ? इलेक्शन में। अब आप भी देखे हैं, आप भी जानते हैं, हमारे अच्छा आप मीडिया वाले हर रोज़ इसी काम में रहते हैं, कितने भी पार्टियां हैं वो रिजर्वेशन के कैंडिडेट को रिजर्वेशन में ही टिकट देते हैं, जनरल में नहीं देते। तो ये भाइयों को भले ही कोई पार्टी नहीं ठहरा करी, भले ही पार्टी कोई नहीं ठहरा करी जनरल में, तो ये मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अपने आंदोलन से कैंडिडेट को ठहरा करे। कर्नाटक में 224 तुम्हारे आंदोलन के कैंडिडेट ठहरा करो, भले ही उनकी डिपॉजिट जब्त हो, लेकिन तुम्हारी आवाज़ बुलंद करो। अगर आप नहीं ठहरा कर सकते हैं तो हमारी पार्टी से मांग करो, हम टिकट आपको देंगे जनरल कोटा में। खासकर आपके जो अमीर लोग हैं, उन अमीर लोगों को आपकी इंसाफ देना है। ये इंसाफ जो है प्रधानमंत्री उस वक्त देंगे जबकि आपके समाज के मंत्री इसकी आवाज़ उठाएंगे। आपकी आवाज़ कौन सुनेगा जबकि तुम्हारे विधायक नहीं सुन रहे, तुम्हारे लोकसभा के मेंबर नहीं सुन रहे, राज्यसभा के मेंबर नहीं सुन रहे, विधान परिषद के मेंबर नहीं सुन रहे, और आपके अमीर लोग जो हैं आपको हक नहीं दे रहे।
तो तुम्हारे लोग तुम्हें हक नहीं दे तो दूसरा कैसे देगा बताइए। अगर एक बात मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से जितने भी अमीर मूल निवासी हैं, जितने भी अमीर मूल निवासी हैं, अपना एक संगठन बनाए या फिर इन्हीं के संगठन से जुड़े, जिसे जिसे पार्टी जनरल में सीट देती है वो जनरल में लिखोड़ें, और जनरल में जिसे टिकट नहीं मिलता वो जनरल में ठहरे। उन्हें कौन सी पार्टी टिकट नहीं दी तो भी हम देने तैयार हैं, हमारा टिकट ले लें। अगर ऐसा करेंगे तो राज्य में भी मूल निवासियों की सरकार होगी, केंद्र में भी मूल निवासियों की सरकार होगी। सही है तो सही है बोलो, नहीं तो कैमरा के सामने गलत है कर बोलो, पूछो इनको पूछो। इलेक्शंस बिल्कुल सर पर है, तो क्या लोगों का ये डिमांड होना चाहिए कि जो भी पार्टी पावर में आएगी वो कास्ट सेंसस को जो है वो इंप्लीमेंट करेगी? तुम पहले चुनाव सही कराओ, चुनाव सही नहीं करा रहे हैं और चुनाव सही नहीं हो रहा है नहीं बता रहे हैं आप। ये यात्रा की जरूरत क्या है, सभे करने की जरूरत क्या है, किट बांटने की जरूरत क्या है, कुकर देने की जरूरत क्या है, टीवी देने की जरूरत क्या है, पैसे देने की जरूरत क्या है? चुनाव आयोग प्रचार करे ना कि कैंडिडेट क्यों प्रचार करेगा, जबकि 5 सालों कौम की खिदमत करे तो आवाम जानेगी ना। जो चुनाव आयोग नहीं कर रहा तो चुनाव आयोग ना करके हमें उम्मीदवारों को करने के लिए, ये गलत है। मुझे पहले से देखो, 70 साल हुए, आज भी तुम्हें 100% वोटिंग नहीं करा रहे, तो तुम्हारी क्या गलती है? तुम खुद चुनाव आयोग खुद देखना होगा, 100% वोटिंग नहीं हो रही। अगर वोटिंग हो रही है तो कैसा वोटर पूछ रहा है, मुझे कौन भी बोलने नहीं आया, अरे तू क्या दामाद है, क्यों तुझे बोलने आए? तेरा फर्ज नहीं है, वो तेरा अधिकार नहीं है। तू वोटर वोट नहीं चलाएगा तो दूसरा क्यों पूछेगा? अगर तू दूसरा पूछने आएगा तो अपना मकसद लेकर आएगा, अपना मतलब लेकर आएगा। तू खुद जाकर वोट कर, अगर वोट नहीं मिला तो तू तेरा वोट क्यों नहीं मिला पूछना, तेरा अधिकार है। तो ये डिमांड होना चाहिए या नहीं कि आने वाले जो इलेक्शंस में है कास्ट सेंसस का एक डिमांड सियासी पार्टियों के सामने रखा जाए? कास्ट सेंसस का वही तो मैं बता रहा हूँ ना, डिमांड कब होगा? तुम्हारे अपने समाज वाले तुम्हें तुम्हारा डिमांड पूरा करें, जब हमारा समाज हमारा डिमांड पूरा नहीं करे तो दूसरा कैसे करेगा? हमारा आपके यहाँ आने का मकसद ये है कि कर्नाटक सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराया है, उसके आंकड़े जारी नहीं किए हैं, उसके आंकड़े जारी करने के लिए कर्नाटक सरकार पर दबाव बना, और यहाँ जितने भी इस तरह के विचारधारा के संगठन हैं उन सबको इकट्ठा करके वो आंकड़े जारी हों, और आने वाले चुनाव में उस आंकड़ों के हिसाब से भागीदारी मिले, और सरकार जो दलित पिछड़े और बहुजन समाज के समुदाय के लोग हैं उनको जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी दे। अभी साहब ने कहा कि मोदी साहब जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो उन्हें जो है सबका विकास कर वो साथ देने तैयार है, लेकिन उनका जो है वो जो है सबका विकास करना चाहिए, ये उनका नारा जो है सबका साथ सबका विकास, जब तक कास्ट सेंसस नहीं कराते हैं ये सेंट्रल सूची का विषय है। कास्ट सेंसस कराने के बाद तो ये मालूम चलेगा कि विकास की धारा से आज़ादी के 75 साल बाद कौन पीछे रह गया है, तो जब ये मालूम चलेगा तब उसका विकास होगा। जब तक कास्ट सेंसस नहीं कराते हैं तब तक ये बेईमानी है कि सबका साथ सबका विकास की जो बात कर रहे हैं ये झूठी है और बेईमानीपूर्ण है। क्या इसके फायदे क्या होंगे इस सर्वे के? जो कास्ट सेंसस जो हर 10 साल में सेंसस होता है उसमें अगर एक जाति का कॉलम जोड़ देते हैं तो उसमें 34 कॉलम पहले से हैं, एक कॉलम और जुड़ जाएगा तो जातिवाद आंकड़े आएंगे, उससे ये मालूम चलेगा कि आज़ादी के बाद किस जाति को क्या लाभ हुआ या कितना उसने विकास किया, कितने उस समाज में शिक्षित हुए, कितने नौकरियों में लगे, कितनी पूंजी उनके पास है, कौन कितना आगे बढ़ा, अगर कोई नहीं बढ़ पाया तो वो कैसे पीछे रह गया। तो जब ये आंकड़े आएंगे तो जो विकास की धारा से पीछे रह गए हैं
उनके लिए सरकार स्कीम बनाने के लिए बाध्य होगी अगर कास्ट सेंसस करते हैं तो, और वो आंकड़े जारी करने के लिए सरकार बाध्य है जो हर 10 साल में सर्वे कर सेंसस कराते हैं, तो आंकड़े जारी करेंगे तो जो कमियां आएंगी उस पर भी सरकार काम करने के लिए बाध्य होगी। तो जब तक ये नहीं कराते हैं तब तक ये मालूम ही नहीं चलेगा कि स्कीम किसके लिए बना है। इसके लिए प्लानिंग कमीशन 2011 में कह चुका है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, मद्रास हाई कोर्ट 2 बार कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि भाई जातिगत जनगणना सरकार क्यों नहीं करा रही, अभी बिहार के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना आंकड़ों के आरक्षण जैसी स्कीम के सरकार कैसे लाभ देगी। तो जब तक ये आंकड़े नहीं आएंगे अभी के, अभी जो उपयोग करती है सरकार वो 1931 यानी 1931 के आंकड़ों के आधार पर काम कर रही है जो 90 साल पुराने हो चुके हैं। इसलिए जो हर 10 साल में सेंसस होता है उसमें जातिगत जनगणना हर 10 साल में होनी चाहिए और उसके हिसाब से देश में धन धरती सत्ता सभी में शासन प्रशासन में सभी में भागीदारी सबको मिलनी चाहिए। आपका संगठन क्या कर रहा है, किस लिए बनाया है और किसने इसे बनाया? इस संगठन को हम जो साथी हैं उन्होंने मिलकर ये बनाया। इस समय करीब पूरे देश में लगभग 4000 साथी इस संगठन से जुड़े हुए हैं और इसका मकसद ये है कि जातिगत जनगणना हो और जातिगत जनगणना के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से इस देश में भागीदारी मिले हर क्षेत्र में। तो कर्नाटक में क्या काम हो रहा है इस बारे में? कर्नाटक में जो सर्वे हो चुका है उसके आंकड़े जारी हो, एक ये है, और दूसरा केंद्र सरकार पर कास्ट सेंसस करा, इसके लिए सारे लोग इकट्ठे होकर कर्नाटक से भी दबाव बने और पूरे देश से केंद्र सरकार पर ये दबाव बने कि जातिगत जनगणना कराई जाए। ठीक है, हमारा लोगों से ये कहना है कि जहां लोग हैं वो अपने कैंडिडेट खड़े करें जो उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो कैंडिडेट रिजर्व सीट से भी जाते हैं वो कैंडिडेट हमारे नहीं होते हैं, वो पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं जो पार्टी की बात करते हैं, हमारे हक अधिकार की बात नहीं करते हैं। तो चाहे रिजर्व के सीट हो चाहे अनरिजर्व सीट हो, सभी जगह ऐसे लोगों को हमारे लोग मतदान करें जो हमारे हक की और भागीदारी की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। जनगणना की मांग करके जो सेंसस है उसको, सेंसस को जो सर्वे यहाँ हुआ है उसको जारी करे सरकार और उसके आधार पर भागीदारी दिलाने की जो बात करे उसको आने वाले चुनाव में वोट करें। अगर ऐसा नहीं करता है तो अपने स्वतंत्र कैंडिडेट खड़े करके उनको मतदान करें, या जो पार्टी नवरंग पार्टी अगर इस मांग को आगे बढ़ाती है तो नवरंग पार्टी को मतदान करें। मेरा नाम लाखन सिंह लोधी है और मैं भारतीय भागीदारी आंदोलन का संगठन मंत्री हूँ और मैं पूरे देश में हम लोग घूमते हुए इधर आए हैं ये नेशनल अध्यक्ष जी से बात चर्चा करने के लिए, और भी बाकी लोगों से कल मिले तमाम अपने संगठन के स्तर से तमाम सारे संगठनों से चर्चा करते हुए और इधर आज अध्यक्ष जी के घर पर आए, इन्होंने हमें बुलाया, इसीलिए इनका धन्यवाद। और आप लोग मीडिया से आए, आपका भी धन्यवाद। और हम ये संगठन को इतना मजबूत करना चाहते हैं अपनी मांग को, ये हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना के जो पार्टी न कराए या जो पार्टी इस मांग को करे केवल उसी को वोट सपोर्ट करें। हमारे वोटर जितने भी लोग हैं हम उनको वोटरों को भी तैयार कर रहे हैं और इन लीडरों को भी तैयार कर रहे हैं कि इसी मांग को लेकर हमारी भागीदारी सुनिश्चित करें, सारी जातियों की सुनिश्चित करें, माइनॉरिटीज और तमाम धर्म तमाम जाति तमाम भाषाओं का ये देश है, इसीलिए सबका सम्मान और सबका विकास होना चाहिए। ऐसा मैं कहकर अपनी बात बंद कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत।